प्रदेश जिला छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने लिए खास निर्णय। नौगांव हरपालपुर में आवश्यक दुकान खोलने के आदेश दिए। नौगांव हरपालपुर में पूर्णता दुकान रहेगी बंद, आवश्यक सब्जी फल दूध मेडिकल स्टोर के अलावा प्रतिष्ठान पूर्णता बंद। छतरपुर हरपालपुर कोरोना वायरस के छतरपुर जिले में पॉजिटिव मरीज की संख्या 5 पहुंच गई है, जिसमें सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज नौगांव में पाया गया था। इसके बाद देर शाम कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कैथोकर में पाया गया, जिससे जिले भर में दहशत का माहौल बन गया है। जो इन पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हुए थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया, जाँच के लिए सैंपल सागर भेज दिए गए थे, जबकि 35 सैंपल की रिपोर्ट में से 32 की निगेटिव आए हैं, जबकि कोरोना के 3 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। जिसको देखते हुए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बैठक की गई, जिसमें निर्णय लेते हुए बताया। नौगांव हरपालपुर में आदेश किया गया है किराना सब्जी फल मेडिकल स्टोर दूध डेयरी को के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठान रहेंगे पूर्णतः बंद, जबकि रविवार की सुबह हरपालपुर का बाजार बंद रहा और नौगांव का मेन बाजार को खोला गया था। अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इसके साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, जबकि छतरपुर का बाजार खोलने का निर्णय। सर, इस समय जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं और जाकर सीधा घरों में जा रहे हैं, ना अस्पताल ना पुलिस किसी को सूचना नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सख्त निर्देश देना चाहेंगे? एक्चुअली जो बहुत सारे मजदूर बाहर से आ रहे हैं, बात बाकी में सही है, लगातार अभी सतत उनका आवागमन चल रहा है। ऐसे मजदूरों के लिए हम लोगों ने सचिवों को, ग्राम के सचिव, ग्राम के सरपंच, ग्राम के कोटवार को हिदायत देके रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आता है तो सर्वप्रथम आप उसको ग्राम में प्रवेश के पहले उसका मेडिकल कराएं, और मेडिकल कराने के बाद यदि वो नॉर्मल है तो फिर आप ग्राम में प्रवेश दें, लेकिन उसके साथ ही उसको ये हिदायत की जाए कि वो 14 दिन अपने घर में ही क्वारंटीन रहेगा, न तो घर से बाहर कहीं जाएगा और न किसी व्यक्ति से वो मुलाकात करेगा। लेकिन फिर भी देखने में ये आ रहा है कि लोगों को खूब समझाइश देने के बावजूद वे बिल्कुल अपने घर से निकल के और मोहल्ले पड़ोस में बैठना शुरू कर देते हैं और बातें शुरू करते हैं। ऐसे में जब भी मेरे पास कोई सूचना आती है, मेरे कर्मचारी मेरे 100 डायल तत्काल वहां पहुंच करके उनको पूर्ण शक्ति से पेश आती है और उन्हें कार्रवाई किए जाने के संबंध में भी बताती है। सर, हरपालपुर के पास कैथोकर में कोरोना के मरीज मिले हैं, इससे क्या यहाँ मार्केट में कोई खुले में परिवर्तन या फर्क पड़ेगा या हुआ है? आपका कहना बिल्कुल सही है, नौगांव में भी एक ही पेशेंट मिलने से पूरा नौगांव क्लोज कर दिया गया था। माननीय SDM महोदय के निर्देश पर कल ही ये निर्णय हो गया था कि जो थर्ड लॉकडाउन के बाद फोर्थ लॉकडाउन में जो छूट मिल रही थी उस छूट में तत्काल पाबंदी लगा दी गई है और प्रथम लॉकडाउन की तरह ही पूरी तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ 4 दुकानों के लिए इजाज़त है, मेडिकल 24 घंटे खुले रहेंगे, दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोल देंगे, सब्जी 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहेगी और राशन दुकान अल्टरनेट डेज में सिर्फ खुलेगी। इसके अलावा बाकी अन्य जो सुविधाएं दी गई थी कृषि यंत्रों के संबंध में, बीज वगैरह की और ये पंचर की दुकानों को, छोटे मोटे जो ये दुकानदार हैं उनके लिए, इसमें पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई। सर, किराने की दुकान का समय? किराने दुकान का समय निर्धारित है सुबह, क्योंकि आजकल धूप भी काफ़ी होती है, पहले लॉकडाउन में 8 से 12 था, लेकिन माननीय SDM साहब से अनुरोध किया गया है तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे के लिए रात्रि दुकानों के लिए परमिशन दी गई। धन्यवाद सर। किस तरह के निर्णय लिए गए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी, जिसमें अभी कोरोना पॉजिटिव केसेस कैथोकर और नौगांव में आए हैं, तो ये तय हुआ है कि हरपालपुर और नौगांव उसको केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएं, बाकी दुकानें बंद रखी जाएं ताकि वहां पर और कोरोना का संक्रमण ना फैले। छतरपुर और बाकी एरियाज जो हैं उसको एज इट इज खुला रखने का निर्णय लिया है। साथ में जो अन्य दुकानें हैं बाकी एरियाज में खुल रही हैं या अन्य काम जो चल रहे हैं वो ऐसे चलते रहेंगे।